दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल के ऊपर एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम आपको दिखाने वाले हैं, हम यहां पे एक स्टोर बना रहे हैं। तो इसकी लंबाई जो है वो 60 फीट इसकी लंबाई है और 30 फीट इसकी चौड़ाई है। तो इसके लिए हमने, देख सकते हैं आप, बैक साइड को 4 इंच बाई 4 इंच की स्क्वेयर पाइप के पिलर खड़े किए हैं। तो पीछे की जो हाइट है वो 16 फीट है और फ्रंट साइड की हाइट 14 फीट रखी गई है। तो दोस्तों 2.5 फीट हमने यहाँ पे खड्डा करके इस पाइप को अंदर डाला है 16 फुट के बाद, मतलब 18.5 फुट का टोटल हमने पिलर बनाया था। 2.5 फुट नीचे गहरा गया है और नीचे हमने क्रॉस में एंगल के बहरे लगा दिए हैं। तो दोस्तों ये 4 इंच बाई 4 इंच की स्क्वेयर पाइप है और ये इसकी थिकनेस 5 mm है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस सेट की जो लंबाई है वो 60 फीट है और चौड़ाई 30 फीट है। तो यहाँ पे हमारे टोटल 15 पिलर लग रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप सामने की तरफ को, एक कोने पे लगा पिलर, एक कोने में और एक सेंटर में। तो सेंटर में भी ऐसे ही पिलर आएंगे और इसके ऊपर शेड इंस्टॉल किया जाएगा। तो दोस्तों 4 इंच बाई 4 इंच की स्क्वेयर पाइप के पिलर लगाए जा रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर की तरफ को दास्ता लगाया गया है पाइप टू पाइप। ये 1.5 इंच बाई 3 इंच की स्क्वेयर पाइप का लगाया गया है और दोस्तों यहाँ पे पर्लिंग हम 2 इंच बाई 2 इंच की स्क्वेयर पाइप की करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमारा जितना भी मटेरियल है वो 2 mm थिकनेस वाला मटेरियल यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और यहाँ का जो शेड बनाया जाएगा वो एक स्लॉट में बनाया जाएगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमारा पिलर खड़े करने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेंटर के 3 पिलर खड़े करेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ को राफ्टर लगाने हैं। तो देख सकते हैं आप, ये सामने की तरफ को देख सकते हैं आप, यहाँ पे राफ्टर लगाए जाएंगे 1, 2, 3, 4 और 5। जितने हमारे पिलर लगे हैं उनके सभी के सामने एक एक राफ्टर आएगा हमारा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा जो शेड है वो 1800 स्क्वेयर फुट का सेट है ये। तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल सीट इंस्टॉल की जाएगी टाटा कंपनी की, 12 फीट 12 फीट और 8 फीट की। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्ट्रक्चर के लिए जो पाइप लाई गई है वो 2 mm थिकनेस वाली पाइप है। तो देख सकते हैं आप, ये सारा काम जो किया जा रहा है वो पूरा लेवल में काम किया जा रहा है दोस्तों, और मजबूत काम। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले यहाँ पे एक बाल सेक्शन लगाई गई थी, तो ये सिंगल पर्दी लगाई गई है। तो दोस्तों इसको गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा है इसका, तो इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने लोहे के पिलर खड़े कर दिए हैं ताकि इस दीवार के ऊपर कोई वजन ना आए और ये दीवार टूटे ना। तो इसके लिए यहाँ पे लोहे के पिलर लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास हमारे काम की नोटिफिकेशन आ सके। तो दोस्तों ध्यान में रखें, जब भी आप पिलर खड़े करें तो ज़मीन के अंदर 2.5 फीट अंदर जाना चाहिए पिलर। तो दोस्तों अब ये देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर वाटर लेवल किया है और ये इस साइड का भी देख सकते हैं आप, बिल्कुल ओके। तो ऐसे ही आप लोगों ने काम करना है मजबूत, ताकि बाद में वो उड़े ना, ख़राब ना हो। और नीचे को एंगल के बहरे ज़रूर लगाने हैं ताकि मजबूती बनी रहे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा वर्क है। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक लकड़ी और मिट्टी की छत लगाई गई है यहाँ पे, लेंटर नहीं डाला गया है। तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि ये क्या किया हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये देख सकते हैं आप क्या दिमाग लगाया है दोस्तों। ये नीचे की तरफ को देख सकते हैं आप, लकड़ियाँ डाली गई हैं और यहाँ पे ऊपर की तरफ को ये सेब के जो टहनियाँ होती हैं छोटी छोटी, बहुत डाली गई हैं और ये मोटे मोटे लकड़ डाले गए हैं। और ये ऊपर की तरफ को देख सकते हैं आप, घास और रेता, मिट्टी और पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है। तो इसका लेंटर बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये बर्फ में बिल्कुल कामयाब होने वाला लेंटर है, ये खराब नहीं होगा। और ये ऊपर की तरफ देख सकते हैं आप, ये लेप बनाया गया है और ये रेता है और मिट्टी मिक्स, ये देख सकते हैं। और ये बीच में घास, तो हम लोग भी ये देख के परेशान हो गए कि ये लेंटर कैसे डाला होगा। तो देख सकते हैं आप लोग भी नीचे की तरफ से ये सारा लकड़ और ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ को बीच बीच में यहाँ पे सेब की जो टहनियाँ होती हैं बारीक बारीक वो डाली गई हैं।
और ये लकड़ियां डाली गई हैं, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लग कर दिया गया है। तो दोस्तों ये बहुत ही मजबूत है, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है और यहाँ पे बर्फ स्नोफॉल ज़्यादा गिरती है, तो इसके लिए ये लैंडर खराब ना हो, तो देख सकते हैं इसके लिए यहाँ पे ये जुगाड़ किया गया है बहुत ही ज़बरदस्त। तो देख सकते हैं आप लोग, हम लोग हैं अभी हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के चंगो विलेज में, तो यहाँ पे अभी हमें ये देखने को मिला है। तो देख सकते हैं आप लोग भी किस प्रकार से ये काम किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास हमारे काम की नोटिफिकेशन आ सके। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। हेलो दोस्तों, अभी हम लोग हैं एप्पल के ऑर्चर्ड में, बगीचे में। तो देख सकते हैं यहाँ पे कितने शानदार एप्पल लगे हुए हैं और ये बहुत ही शानदार। तो यहाँ पे टोटल 5000 पौधा है दोस्तों एप्पल का, और अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये गोल्डन एप्पल है, गोल्डन एप्पल का पेड़ है, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे गोल्डन एप्पल लगे हुए हैं। तो दोस्तों इनकी खासियत ये होती है, जब ये छोटा फल होता है तो ये रेड कलर का हो जाता है, बाद में ये बिल्कुल ग्रीन हो जाता है। तो देख सकते हैं ये बहुत ही पुराने पौधे हैं, कम से कम 40-40 साल पुराने पौधे हैं, बहुत ही शानदार। इनके ऊपर बहुत ही अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं, और आप लोगों को एक और अच्छी चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पर। तो देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर मटर, आपका दिमाग घूम जाएगा देख के ही कि यहाँ पे आजकल किस मौसम में मटर हो रहे हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं कितने शानदार मटर है, और यहाँ के पे मटर की खेती भी बहुत ज़्यादा होती है। तो देख सकते हैं अभी एक हफ्ता पहले ही यहाँ पे मटर का तोड़ना शुरू हो गया है, तो यहाँ पे कम से कम 400 गाड़ी मटर की निकलती है दोस्तों, यहाँ से लेके काजा तक। तो देख सकते हैं आप कितना शानदार मटर है ये, और बहुत ही मीठा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे चारों तरफ को देख सकते हैं आप, सेब के बगीचे हैं, और यहाँ पे जो सेब है ये टॉप क्वालिटी का सेब है यहाँ का। और दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, आपको दिखाते हैं अच्छी क्वालिटी का सेब, जो टॉप क्लास सेब है दोस्तों। यहाँ डिस्ट्रिक्ट किन्नौर के चंगो विलेज का जो सेब है, ये वर्ल्ड के 10 टॉप क्वालिटी सेब के एक क्वालिटी सेब है ये वाला, देख सकते हैं। आइए नज़दीक से दिखाइए। तो दोस्तों इसकी शेप देख सकते हैं आप, किस तरह की शेप है इसकी, बहुत ही शानदार स्क्वेयर में है ये, बिल्कुल गोल नहीं है, आगे से लंबा है थोड़ा सा, और ये चपटा चपटा दोनों साइड को, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे जितने भी पौधे लगे हुए हैं एप्पल के, सभी पे बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं मटर तो बहुत ही ज़्यादा है दोस्तों। मटर की बात मत करें आप, मटर खाने में भी स्वादिष्ट और देखने में भी सुंदर, तो देख सकते हैं आप। और दोस्तों यहाँ का जो एप्पल होता है वो अक्टूबर महीने में इसका तोड़ान शुरू हो जाता है, और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक और पौधा है एप्पल का, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और देखने लायक। और यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो बहुत ही कूल है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे नंबरिंग लिखी हुई है, ये देख सकते हैं। ये नंबरिंग लिखने का कारण ये है कि जब वो किसान भाई हैं काम करने वाले, अगर किसी पौधे के नीचे काम करना होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम आई होगी, तो नंबर के हिसाब से ही इस पौधे के पास आया जाता है कि इस नंबर वाले पौधे के पास आप जाइए और इसकी ट्रीटमेंट करिए, इसमें कुछ प्रॉब्लम आई है, तो इसलिए ये नंबर लिखे होते हैं कि आपको पौधा ढूंढने में परेशानी ना हो। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे नंबरिंग सारी लिखी हुई है। ये थोड़ी सी सरसों भी है दोस्तों। तो अभी हम आप लोगों को यहाँ पे दिखाएंगे क्या हुआ, राजमा। तो यहाँ पे राजमा की भी खेती हो रही है दोस्तों, ये देख सकते हैं राजमा के पौधे। तो ये बेल लगेगी राजमा की, देख सकते हैं आप, और ये राजमा की देख सकते हैं आप, यहाँ पे भी राजमा है, ये राजमा। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, आगे आइए, और ये हमारे भाई बंधु बैठे हुए हैं मदास। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये देखिए एप्पल कितना शानदार एप्पल लग रहा है यहाँ का, बहुत ही ज़बरदस्त टॉप क्लास
एप्पल होता है यहाँ का। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।